और इस वक्त की एक और बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें। भोपाल से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जहां पर कलियासोत डैम के पास युवक का नरकंकाल मिला है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कलियासोत डैम के पास एक नरकंकाल मिला है। आसपास पड़े कपड़ों से मृतक के पहचान का प्रयास अभी भी जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर डैम के पास एक नरकंकाल मिला है और कंकाल 20 से ज्यादा दिन पुराना होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आसपास के पड़े कपड़ों से कंकाल की पहचान की कोशिश की जा रही है, प्रयास अभी भी जारी है। बुलाई गई एफएसएल की टीम और डीएनए के बाद ये इस मामले का खुलासा हो पाएगा। और इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रिंस, बताएं कि नरकंकाल मिला है डैम के पास, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, चूना भट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है कल्याणसोत डैम, और कल दोपहर बाद यहाँ इस तरह का नरकंकाल मिलने की को मिली थी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची तो बहुत ही विक्षिप्त अवस्था में एक कंकाल मिला है, जिसे अनुमान लगाया गया है कि जानवरों ने भी कहीं खाया होगा और सड़ गल गया है वो, और लगभग 20 दिन पुराना ये मालूम होता है कि लगभग 20 दिन इस कंकाल को हो गए होंगे। और उसके बाद फिर उसकी जांच वांच में जुटी पुलिस को पता चला है कि उसी की फोड़ भी चूना भट्टी थाना क्षेत्र में ऐसे की हुई है। तो कुछ परिवार वालों को बुलाया तो उन्होंने कुछ उसकी चप्पलों से, कुछ कपड़ों से उसकी शिनाख्त करने की कोशिश की, और जहां तक जानकारी है कि 50 साल का ये भोपाल में, जहां पर ये ड्राइवर का काम करता है राजेंद्र परमार, वो है, और उसके परिजनों ने उसको इस तरह से पहचाना। लेकिन फिर भी पुलिस अधिकारी इस जांच को आगे बढ़ाते हुए बुलाया और हमीदी अस्पताल उस नरकंकाल को भेजा। अब एफएसएल की जो टीम है डीएनए टेस्ट करेगी उसके परिजनों का, उसके साथ कंकाल के साथ और उससे मिले जो अवशेष है उनके साथ, तब कहीं पुख्ता शिनाख्त हो पाएगी कि उन्हीं का शव है, जिनकी शिनाख्त उनके परिजन बता रहे हैं 50 साल के उस अधेड़ युवक की। तो अभी ये जांच हो रही है, आगे जाके और उसमें जांच में सामने आएगा, कारण पता चलेंगे कि किन कारणों से ये हुआ। एक और चीज आपको यहाँ बता दूं कि गैरवा डैम के पास उनका घर है उस एरिया में, तो वो सोच के लिए रोज सुबह वहां जाते थे, उसके चलते वो लूटे नहीं किसी दिन, तो उनके परिवार वालों ने वो रिपोर्ट लिखाई थी गुरसुद्धि की, उसके आधार पर ये सारी चीजें हो रही है। अब आगे जांच में क्या निकल कर आता है तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां पर डैम के पास एक नरकंकाल मिला है और आसपास पड़े कपड़ों को लेकर अभी भी पहचान की का प्रयास लगातार जारी है, और कलियासोत डैम के पास यह शव मिला है। आसपास पड़े कपड़ों से पहचान का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि कंकाल 20 दिन पुराना बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।